एक परिवार अपना पूरा लक्ष्य के साथ अपना बेटा बेटी को पढ़ाई कराते हैं। रांची नगर इकाई के सभी वार्ड के युवा प्रभारियों का प्रतिनिधि सम्मेलन था और सम्मेलन में युवाओं को बहुत दिलाना था क्योंकि पार्टी ने महाधिवेशन। राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में रांची महानगर प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रांची महानगर के विभिन्न वार्ड के युवा आजसू के प्रतिनिधि शामिल हुए। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो सभी प्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की ओर से एक युवा इकाई का गठन किया गया है। इससे माध्यम से युवा 10 सालों तक संगठन में काम कर सकते हैं, संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं और इस इकाई से सीधा गांव स्तर तक जा सकते हैं। रांची नगर इकाई के सभी वार्ड के युवा प्रभारियों का प्रतिनिधि सम्मेलन था और सम्मेलन में युवाओं को बहुत दिलाना था क्योंकि पार्टी ने महाधिवेशन पे एक यूथ का टीम पूरा प्रदेश भर में बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि पार्टी की इकाई पहले कॉलेज तक सीमित थी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सीमित थी। अब चूँकि ये सीधे दल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, उसी के लिए ये यूथ आजसू का एक जगह दिया गया जहाँ से यूथ आजसू 10 साल तक वो संगठन में काम कर सकते हैं, संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं और इसकी इकाई सीधे गांव स्तर तक आ सकता है। सबसे बड़े इस चुनाव जो आने वाला चुनाव है, सबसे पहले उसके विषयों को संग्रह करना और संग्रह करके जैसा मैंने कहा है कि आने वाले समय इन विषयों का विकल्प क्या हो सकता है। हम विकल्प देने की तैयारी करेंगे, हम केवल आलोचना नहीं करेंगे कि मात्र आलोचना कि आपने नहीं किया तो आपको बेदखल करते हैं, ये नहीं करेंगे। कि मैं ये विश्वास झारखंड के उन लोगों को दिलाएंगे, उस जनता को दिलाएंगे कि हमारे आने के बाद ये चीज़ों पर हमारी प्राथमिकता होगी और इस विषय पर हम लोग काम करेंगे। मैं ऐसे दावे केवल पद पे बना रहना यह सरकार का दावा हो सकता है, मंत्री मुख्यमंत्री या सरकारी पदाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर पर केवल आपके माध्यम से बयान देना पर्याप्त नहीं है, डाटा होगा। अगर अपराध बढ़ा है, हम अगर कह रहे हैं तो मैं डाटा के आधार पर कह रहा हूँ, किसी रांची राजधानी के अंदर अगर किसी सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है तो ये अपराध बढ़ा हुआ का ही संकेत है और ये एक दिन नहीं लगातार प्रत्येक दिन ये हो रहा है। वो डाटा लेके आने बोलिए ना, उनको डाटा रखने बोलिए, हर थाना का रिकॉर्ड रखने बोलिए, तब आप पता चलेगा कि पहले और आज में क्या फर्क है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। देखो पाँच महीना जेल में रहे तो 5 महीना उन्हीं का शासन रहा, ऐसा नहीं है कि उनके नहीं रहने से यहाँ शासन बदल गया। उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया, चंपईदा मुख्यमंत्री रहे। और चंपईदा मुख्यमंत्री रहे कहने का मतलब क्या है कि वो मुख्यमंत्री में ताकत और क्षमता नहीं था इसलिए मेरा काम आगे नहीं बढ़ा, या उन्होंने आपके बढ़ाए हुए कामों को आगे नहीं बढ़ाया। आप उंगली उठा रहे हैं अपने 5 साल के मंत्रिमंडल पर, ये खुद उंगली उठा रहे हैं। दूसरा, ये जो 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख का ही वो एक प्रिंट जारी कर दे, 1.5 लाख जो सर्विस उन्होंने दिया है प्रिंट जारी करें, उसमें सरकारी नौकरी कितना है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है आंकड़ा, ये 10,000 पार नहीं किए, अभी तक ये आंकड़ा 10,000 पार नहीं किया है। वो जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे, वो जिनको नौकरी दिए वो आज कहाँ है, जिनको हवाई जहाज चलाने की बात किए थे जिन मजदूरों को, वो मजदूर आज कहाँ है। 8.5 लाख मजदूर इस प्रदेश से बाहर हैं, जिस ट्राइब की रक्षा करने की बात करते हैं उस ट्राइब की जमीन पर आप कौन बैठा हुआ है, और इस 5 साल में सबसे ज्यादा रांची में कैसे लोग आके बैठ गए ट्राइब की जमीन पर, ये सवाल का जवाब भी उन्हें भविष्य में देना पड़ेगा। ये बनाना किसकी जवाबदेही थी, किसकी जिम्मेदारी थी, पॉलिसी भी तो सरकार को बनाना था, पॉलिसी के आधार पर सरकार को जाना था। अगर आप पॉलिसी बना नहीं पाते तो इतना बड़ा जवाबदेही लेने के लिए क्यों बैठे हो। इसको पॉलिटिकली पार्लियामेंट असेंबली में इन विषयों पर चर्चा होगा, दलीय भी चर्चा चल रहा है, इस सभी का मूल्यांकन करने के बाद हम लोग इस विषय पर बात रखेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी तो सरकार की सरकारी नौकरी से बाहर है। अब दुनिया उस रूप से खोज कर रही है, क्रिएट कर रही है, वो तो उसमें हमारा प्लान क्या है।
हम जीरो। हमारा नियोजनालय जो है वहां लोगों ने तो आवेदन किए लेकिन उसका प्रतिफल जीरो है, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा उससे ऊपर कुछ भी नहीं। कल दिन के लिए अगर मेरे बेरोजगारी को देखते हुए अगर थोड़ा भत्ता भी आपने अगर दे दिया, ये होना ना होना अलग भी है, तो वो भी मेरे जीने का सहारा होगा केवल। अब बताओ मैं 25 साल 30 साल में सरकारी जीने का सहारा लेके मैं क्या करूंगा? मैं एग्जाम लिखूंगा, फॉर्म भरूंगा, मैं कहीं भी चला जाऊं, एक नौकरी कहां है? है कहां बता दो, कहां और किस नौकरी को भरेंगे? आज के दिन में एक 40-50-100 का कहीं पर पोस्ट अगर क्रिएट हो रहा है, पता है एक चपरासी के लिए एमबीए का लड़का अप्लाई कर रहा है, एक चपरासी की नौकरी के लिए एमबीए का लड़का अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास किया हुआ लड़का अप्लाई कर